ग्रीटिंग्स ऑफ द डे एवरीवन तो पर जैसे कि हमें लास्ट लेक्चर में बात की थी देर आर थ्री वे वी कैन रिप्रेजेंट थ्री एड्रेस कोड थ्री एड्रेस कोड के रिप्रेजेंटेशन की तीन टाइप्स हैं तीन वे हैं क्वार देन ट्रिपल एंड देन वी हैव इनडायरेक्ट रिप्लेट इनडायरेक्ट ट्रिपल ठीक है तो बेसिकली इनके डिफरेंसेस डिस्कस करते हैं क्विकली हमने ऑलरेडी देख लिए है जैसे कि यहाँ पे चार फॉर्मेट्स होते हैं या चार कॉलम्स होती हैं दैट इज ऑपरेटर ऑपरेंट वन ऑपरन टू एंड रिजल्ट ये टेम्प्रेरी रिजल्ट स्टोरेज होता है टी एस ओके टेम्पररी स्टोरेज है टेम्प्ररी रिजल्ट स्टोरेज देन वी हैव ट्रिपल ट्रिपल में क्या होता है टेम्प्ररी रिजल्ट स्टोरेज को हम रिमूव कर देते हैं ऑपरेटर ऑपरेंट वन ऑपरन टू ओके एंड देन हियर इनडायरेक्ट ट्रिपल में क्या होता है ऑपरेटर ऑपरन वन ऑपरन टू बट इट मेक्स यूज ऑफ टू टेबल जहाँ पे हम अपना इनडायरेक्ट टेबल uh, होता है इनडायरेक्ट एड्रेसिंग होता है जो स्टोर करते हैं ओके okay. यहाँ पे हम क्या करते हैं टेम्प्ररी वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं अगेंस्ट द टेम्प्ररीज दैट कैन बी ऑप्टेन और क्विकली एक्सेस कर सकते हैं टेम्प्ररी वेरिएबल्स के थ्रू हमें कोई भी वैल्यू अगर चाहिए तो वेरिएबल टेबल या सिंबॉल टेबल में से हम आराम से एक्सेस कर सकते हैं ट्रिपलेट में हम या ट्रिपल में हम उसको क्या कर देते हैं पॉइंटर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं कहीं ना कहीं वो एड्रेस में स्टोर होते हैं टेम्प्री वेरिएबल में स्टोर नहीं होते हैं तो हम उस एड्रेस के थ्रू उसको रिप्रेजेंट करते हैं या एक्सेस करते हैं सिम्बल टेबल में से ठीक है और इनडायरेक्ट ट्रिपल में क्या होता है कि पॉइंटर्स uh, ही होता है जनरली हम रेफरेंस टू द कंप्यशन यानी पॉइंटर्स ही होते हैं बट सेपरेटली कंपेयर किए जाते हैं और स्टोर किए जाते हैं ठीक है uh, यानी कि एक इनडायरेक्ट एड्रेसिंग टाइप होता है बेसिकली ओके सो कंपेयर टू क्वाड्रोपल इनडायरेक्ट ट्रिपल सेव सम मोर अमाउंट ऑफ स्पेस एंड टाइम इन बोथ ठीक है दोनों तरीके से स्पेस और टाइम सेव करता है और क्वाररोपल रिप्रेजेंटेशन का बेनिफिट क्या है कोड अपटमाइजेशन में आप टेम्परेज क्रिएट करके उसमें से जो टेम्परेज नहीं चाहिए वो रिमूव कर सकते हैं यहाँ पे ट्रिपल है सेकेंड uh, जो हमारा कॉलम है वो ट्रिपल का फायदा क्या है पॉइंटर का यूज कर सकते हैं और सिंबल टेबल uh, को क्विकली एक्सेस कर सकते हैं स्पेस और टाइम बचता है कंपेयर टू द दिस क्वार इफ दिस इज क्वार तो स्पेस एंड टाइम एफिशिएंट है राइट स्पेस और टाइम बचता है और एट लास्ट जो दोनों नहीं कर पाते हैं कि मूविंग द जब इंस्ट्रक्शन को मूव करना पड़ता है सिंबल टेबल को यहां से वहां करना पड़ता है मेमोरी रिलोकेशन करना पड़ता है तब डिलीटिंग द इंस्ट्रक्शन एंड क्रिएटिंग इट अगेन आर वेरी डिफिकल्ट सो यू कैन डू इट यूजिंग इनडायरेक्ट पीपल्स राइट तो ये तीन चीजें थी बेसिकली मेरिट्स और डिमेरिट्स जैसे हमने डिस्कस किए लेट्स टॉक अबाउट मेरिट्स एंड डिमेरिट्स एडवांटेज ऑफ अरुबल क्या है वन कैन क्विकली एक्सेस द वैल्यू ऑफ टेम्प्री वेरिएबल्स सिंबल टेबल का यूज करके आराम से कर सकते हैं ओके okay. और टेम्प्रेरी का यूज करने की वजह से क्या होता है इनडायरेक्शन आ जाता है सिम्बॉल uh, टेबल में फाइन और वो इनडायरेक्शन हम कहाँ यूज कर सकते हैं कोड ऑप्टिमाइजेशन में तो एक तरीके से वो मैरिट हो गया ट्रिपल में क्या होता है पॉइंटर्स यूज कर सकते हैं वन कैन एक्सेस द डायरेक्टली सिंबल टेबल का एंट्री एक्सेस कर सकते हैं बार बार टेम्प्ररीज रिमूव हो जाता है टेम्प्ररीज आर रिमूव राइट और इनडायरेक्ट ट्रिपल क्या करते हैं और कॉड्रोपल सिमिलर एज फार एज द यूटिलिटी इज कंसर्न इंडायरेक्ट ट्रिपल और कॉड्रोपल सिमिलर हैं उनका काम अगर की बात करें तो बट इंड इनडायरेक्ट ट्रिपल सेव मोर अमाउंट ऑफ स्पेस एंड टाइम बेसिकली स्पेस एंड आई लाइड योर टाइम क्योंकि हम डायरेक्टली रेफर कर सकते हैं उसको टेम्प्रेज uh, नहीं होते हैं इसलिए ऑब्वियसली हमारा टाइम भी सेव करेगा ओके okay. कंपेर्ड टू द क्वाड्रोपल रिप्रेजेंटेशन हाई तो ये थे उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स जो हमने ऑलरेडी डिफरेंस में देख लिए थे जी टी ओ में कुछ एग्जाम्पल पूछ जाते हैं आपको uh, उसकी थ्री एड्रेस कोड जनरेट करने होते हैं आप कोई भी फॉर्म यूज कर सकते हैं अगर नहीं दिया गया है तो यू कैन इधर यूज जनरली ट्रिपल्स यूज करते हैं सब और यू कैन यूज क्वाड्रूपल्स फाइन यू कैन ऑल्सो यूज इनडायरेक्ट ट्रिपल्स वट एवर इज कन्वीनियंट टू यू ओके okay, और इसके अलावा के भी जो फॉर्म्स हमने डिस्कस किए थे पॉलिश नोटेशन ये सब एक वे के कोड हैं दैट इज थ्री एड्रेस कोड टी ए सी सेकेंड इज पॉलिश नोटेशन एंड थर्ड वन इज डायरेक्ट ग्राफ ओके आप डायरेक्ट ग्राफ भी जनरेट कर सकते हैं

और उसकी ट्रांसलेशन स्कीम जो हम वहाँ पे मेंशन कर रहे थे जब हम एस और एस वाले वीडियोस डिस्कस कर रहे थे इफ यू हैवेंट सीन इट यू कैन रिफर टू दो वीडियोस दोज़ आर ऑलरेडी इन प्लेलिस्ट लिस्ट और कंपाइलर डिजाइन प्लेलिस्ट बेसिकली ओके तो वो सिमेंटिक रूल्स मस्ट बी रिटर्न फॉर ईच सोर्स कोड स्टेटमेंट जब भी हम थ्री एड्रेस कोड जनरेट करना चाहते हैं तो सिमेंटिक रूल या सिंटेक्स रिलेटेड डेफिनेशन को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है उस हिसाब से ही रूल्स जनरेट होने चाहिए ओके और काफ़ी सारे प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट्स भी हैं जिसके लिए सिमेंटिक रूल डिफाइन किए जाते हैं जैसे कि डि डिक्लेटिव स्टेटमेंट है असाइनमेंट स्टेटमेंट है एरेज है बुलियन एक्सप्रेशन इन सबके लिए थ्री एड्रेस कोड डिफरेंट डिफरेंट होते हैं ओके okay. और उनके थ्री एड्रेस कोड डिफरेंट होने की वजह से उनके सिमेंटिक रूल्स भी अलग हो जाते हैं तो इन सिमेंटिक रूल्स और थ्री एड्रेस कोड्स को ध्यान में रखते हुए ही हम uh, जो हमारा इंटरमीडिएट कोड है वो जनरेट कर सकते हैं ठीक है कंट्रोल स्टेटमेंट का अलग होता है देन वी हैव स्विच केस प्रोसीजर कॉल्स प्रोसीजर कॉल्स या तो फंक्शन कॉल्स वट यू अंडरस्टैंड बाई दैट ओके okay. इन सब के लिए थ्री एड्रेस कोड्स क्या होते हैं डिफरेंट होते हैं फाइन तो जब भी हम थ्री एड्रेस कोड कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो ध्यान रखेंगे कि उसकी सिंटेक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन या तो सिंटेक्स डायरेक्टेड डेफिनेशन है जो यूजिंग विच वी मीन जनरेटेड तो वो हम उसके एट्रीब्यूटेड मैकेनिज्म से और उसके सिमेंटिक रूल्स का यूज करते हुए जनरेट करेंगे और बाद में ही उसी से हम थ्री एड्रेस कोड को एक्सेस करेंगे फाइन सो दिस वॉज इट अबाउट इंटरमीडिएट कोड जनरेशन चैप्टर आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल fine and yeah we'll get back to it in next chapter okay good day